पहला क्वेश्चन मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स की हुंदा, जेड़े बच्चे नूं कोई भी बच्चा जवाब दे सकता। लै भी निखिल बोलूगा, बोल दे बेटा, बोल दे। सर दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स विद मास। वाह वाह, काफी अच्छी कोशिश हुई है, बहुत अच्छी कोशिश हुई है, शाबाश। और कोई सर? हाँ गुरनूर बेटा, गुरनूर नूं बोलन दे। गुरनूर पुत, ओ गुरनूर। यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स की हुंदा? जो आता बोल दो, कोई चक्कर नहीं, गलत हो जू फिर मैं सही कर दूंगा, मैं कहदे वास्ते हैं नरीदा नहीं हुंदा। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ग्रेविटी तो बनया। मैं दसूं? हाँ चल तू बोल। इट इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स टुवर्ड ईच अदर दैट हैव मास। इट इज द फोर्स व्हिच अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स। हैं मतलब मैं इथे खड़ा, मान लो तो मैं इथों चंद्रमा नु भी खिंची जाना, मैं इथों सन नु भी खिंची जाना, इथे खड़ा खड़ा। सर ग्रेविटी फर्क अंदर दा मास एक्सेलरेशन ते भी डिपेंड करदा है। ग्रेविटी दा सर सबदी हुंदी है। ओम शांति, ओम शांति होगी। चलो काम दी गल ते। ग्रेविटेशन जिहड़ा है बेटा, ये एक्चुअल च की एदा नहीं बोलना, काफी हद तक अनमोल ठीक सी, ठीक है ना, बट ये मतलब जिहड़े वर्ड्स हैगे आ उन्हां नूं प्रॉपरली अरेंज करन दे विच कामयाब नहीं हो पाया। एक्चुअली च की आ, दो बॉडीज आ, दो बॉडीज एक दूजे नूं अट्रैक्ट करदियां, ओके, ड्यू टू देयर मास, उन्हां दे मास दे करके। निखिल ने भी बड़ा अच्छा बोलिया, ड्यू टू देयर मास दो बॉडीज जदों एक दूजे नूं अट्रैक्ट करदियां तां जिहड़ा फोर्स उन्हां दे विचकार लगदा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड जिहड़ा ए फोर्स हैगा बेटा, ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एनी टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज ऑफ द यूनीवर्स, यूनीवर्स दे विच जिहड़ियां भी कोई भी बॉडीज चक लो तुसीं, जिद्दां दी मर्जी, भावें दूर होण भावें नेड़े होण, उहनां दे विचकार ए फोर्स लगना ही लगना है। क्लीयर गल कि नहीं क्लीयर? इत्थे सन मून तां इक पार्ट आ सिर्फ, मतलब कि यूनीवर्सल फोर्स आ, सारे यूनीवर्स दीआं कोई भी दो बॉडीज नूं चक लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इत्थे खड़ा, मेरे नाल मान लो अनमोल आ के इत्थे खड़ जावे, तां साडे दोनों दे विचकार भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगूगा। हाँ ठीक है, साडे मासल थोड़े आ एज कंपेयर टू अर्थ और मून और सन जो भी है, ठीक है, साडे मासल निक्के निक्के आ, तां करके सानू उहदी फीलिंग नहीं आउणी, सानू दी फीलिंग घट होगी, ठीक है, ते असीं एक दूजे नूं अट्रैक्ट भी कर रहे ड्यू टू आवर मास, बट अट्रैक्शन 100% हुंदी आ। क्लीयर है गल? लिख दो डेफिनेशन, लिख दो, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स ड्यू टू देयर मास, इन दिस यूनिवर्स ड्यू टू देयर मास, उन्होंने मास का करके जिहड़ी हैगी आ फोर्स लगता उन्होंने बोलते ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, कोई भी दो बॉडीज एक दूजे को अट्रैक्ट कर दी। एक डेफिनेशन क्लीयर होगी, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। हुण एक चीज होंगी ग्रेविटी, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स की छोटी भैन आ, समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? की आए ग्रेविटी है, ये उहदी छोटी भैन आ, दिख रहा ना तुम सारे? क्यों भाई, छोटी भैन ही है ना ग्रेविटी। ग्रेविटी की है? इट इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सारे यूनिवर्स दे विच किसी भी दो बॉडीज दे विचकार लगता। ग्रेविटी किसी प्लैनेट की होंदी है, मेरी गल फॉलो कर रहे हैं, जिहड़ियां उहदे प्लैनेट दे उपर या उहदे नेड़े तेड़े जिहड़ियां बॉडीज होंदियां, वह बॉडीज नूं जिहड़ा फोर्स लगा के प्लैनेट अपने सेंटर वल नूं खिंचदा उदों भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता। उस स्पैसीफिक ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम है ग्रेविटी, मतलब उस फोर्स का कारण है ग्रेविटी।
ग्रेविटी प्लैनेट दी हुंदी आ। मेरी गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ यस सर। लिख दो फिर। ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का स्पेसिफिक केस आ। ग्रेविटी इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ ग्रेविटेशन। एक्चुअली ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। एक्चुअली ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ प्लैनेट। ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ प्लैनेट एंड एन ऑब्जेक्ट। एंड एन ऑब्जेक्ट lying on it or near it, lying on it उस planet दे ऊपर होवे और near it या उदे नेड़े होवे और near it। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? हुण अर्थ जिहड़ा साडे ते फोर्स ला रही आ इह हैगा तां ग्रेविटेशनल फोर्स आ। समझ आ रही गल? बट साडे वास्ते इह की आ, आपां की बोलदे हमेशा वी सानूं ग्रेविटी दे करके फोर्स लग रहा। क्लीयर है गल कि नहीं? क्लीयर? ठीक है। ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी है, वह सानूं खिंच रही है अपने वल। ठीक हैगा ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। किसी भी बच्चे को कुछ शक है इहदे च? दस दो। नो सर। तीसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ तुसीं भी बड़ियां स्टोरियां सुनिया होनिया है ना? सुनिया कि नहीं सुनिया? अंब डिग्या होते लिखा हुआ भी एप्पल ही डिग्या? बुक च लिखा, बुक च लिखा है। तुसी नवी स्टोरी क्रिएट करनी है भी एक बार निखिल अंब दे पेड़ दे थले बैठा सी। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही निखिल? है फिर की होया? अंब दे पेड़ तों अंब डिग्गया। ठीक है, निखिल ने उस अंब नूं चक्या, वह कहिंदा भी अंब क्यों डिग्गया? है तां फिर उहनूं कौन याद आया? निखिल्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर। नहीं नहीं इदां नहीं, फिर उहनूं याद आ गया एक बंदा, उस बंदे दा नां की सी? न्यूटन। ठीक है ना, न्यूटन का लॉ फिर उन्हें उत्थों पढ़िया। समझ आ रही गल नहीं आ रही? पढ़िया तो उत्थे है ना। आ जाओ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कहता? सौखा जिहा लॉ बेटा, ईजी जिहा। दो बॉडीज बनावांगे असी, एक बॉडी आ होगी एक बॉडी आ होगी। बॉडीज के मासिस इक्वल होने जरूरी नहीं। ठीक है, दीज मे बी डिफरेंट, ये अलग अलग हो सकते हैं। यदा मास एम वन, दूजी बॉडी का मास एम टू। दोनों बॉडीज सेंटर मिलाने वाली लाइन, सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन। ओके, इस लाइन जिहड़ी हैगी, इस लाइन नू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जिहड़ी आ साडी, वो आर। कई किताबां च नू डी लिखा हुंदा, डजंट मैटर। कई किताबां च नू कुछ भी लिख सकदे। ओके, फोर्स कल्ला ते कल्ला अट्रैक्शन दा लगदा ग्रेविटेशन दा, ये गल पल्ले बन लियो। दिस फोर्स कैन नैवर बी रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नहीं हो सकता। ओके, मेरे को बेटा बहुत अच्छा कनैक्शन है अंजलि पुत्र, मेरे को बहुत अच्छा कनैक्शन है, तुम ऐ करो या तो लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा सिग्नल है जी। फोर्स एफ, हाँ भाई एफ दे पैर च जी लिखा कि बहुत एफ लिखता, कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन की कहता? इट स्टेट्स दैट, न्यूटन ने की आख्या? It states that the gravitational force of attraction, note kar liyo, the gravitational force of attraction between any two bodies, k
किसी भी दो बॉडीज दे विचकार ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिहड़ा है इज वो की दे इक्वल आ नंबर फर्स्ट लिखांगे शॉर्टकट च लिखूं थोड़ा जिहा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस चलो ऐ लिख दो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to product of their masses ਉਹਨਾਂ ਦੇ masses ਦੇ product ਦੇ directly proportional ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ f directly proportional to m1 into m2 ਫਿਰ second ਹੈਗਾ inversely proportional to ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਘਟਦੀ ਆ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ directly proportional ਆ square ਠੀਕ ਆ inversely proportional ਆ means f is directly proportional to 1 by r square ਜਾਂ f is inversely proportional to r square ਠੀਕ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ equation number 1 ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ equation number 2 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖੀ ਨਿਊਟਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਆਖੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਠੀਕ ਆ ਨਿਊਟਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ m1 m2 ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮੈਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਘਟਾ ਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾ ਦਾਂ ਦੈਨ ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਹ ਘਟੂਗਾ ਆ ਵਧਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਵਧੂਗਾ ਆ ਘਟਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਘਟੂਗਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਠੀਕ ਆ ਗਲਤ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਨਮੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ m1 ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਸ m2 ਆ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਾਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮਾਸ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਮੂਨ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਨ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪਲੈਨਟ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਸਾਡਾ ਓਕੇ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਓਕੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਟਾ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾ ਦੋ ਹੁਣ ਦੋ ਪਲੈਨਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਰਸ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਘਟ ਜੂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਦੋ ਪਲੈਨਟ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਘਟ ਗਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਵਨ ਐਂਡ ਟੂ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ 2 ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ f ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ m1 m2 / r ਸਕੁਅਰ f ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ m1 m2 / r ਸਕੁਅਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਦੋਂ ਹਟਾਉਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕੈਪੀਟਲ g ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਸਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ g m1 m2 / r ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹਨਾ ਇੱਥੇ g ਕੌਣ ਆ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ g ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੋਰ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਰਸ ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ ਇਹ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਲਿਖ ਦਿਓ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਜੀ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 6.67 × 10⁻¹¹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦਾ −11 6.67 × 10⁻¹¹ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੋਲੋ ਬਈ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਪਰ ਕੇਜੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇੰਟੂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਾ ਕੱਢ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਾ ਕੱਢ ਲਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਨਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ ਇਹਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਮ ਮਾਈਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜੂਗਾ ਪਲੱਸ ਵਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ ਐਮ ਵਨ ਐਮ ਟੂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਐਮ ਵਨ ਐਲ ਵਨ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆਰ ਲੈਂਥ ਆ ਮਾਸ 2 ਹੈਗੇ ਆ ਐਮ ਵਨ ਇੰਟੂ ਐਮ ਵਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਮ ਵਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮ ਵਨ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮ ਮਾਈਨਸ 1 ਐਲ 3 ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਓਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੀ ਘੋਟ ਲਈਏ ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਸਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਈ ਬਾਤ ਔਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਆ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2 ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੀ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫੋਰਸ ਆ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਇੰਡ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਸ ਐਮ ਵਨ ਨੇ ਐਮ ਟੂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ
मेरा क्वेश्चन है तुहानू कि अर्थ ते मून दा आपस च अट्रैक्शन दा फोर्स लगदा, क्लियर लगदा कि नहीं लगदा? यस सर। यस सर। फिर जे वो फोर्स इन्ना ज्यादा वड्डा आ तो वह तो आपस च फिर ठा देनी वजन एक दूजे ते तबाही मच जावे इत्थे, है इदा क्यों नहीं हुंदा? बोलो भाई। सर क्योंकि होर भी प्लैनेट है सर। और भी प्लैनेट आ वो भी खिंची जांदे अर्थ नूं, आपदे लोक खिंची जांदे, बड़ा तगड़ा काम अत्र रस्से पाए हुए आ सर, दोवें पासे सिर्फ फोर्स नाल अट्रैक्शन सर। डिस्टेंस, हां जी बोलो सर। डिस्टेंस बहुत, डिस्टेंस बहुत है सर। सेम गल दी अट्रैक्शन अत्र बस लखां साल हो गए, लखां साल मून अर्थ दे आले दुआले गेड़े कढ़दे नूं मैनू लगता लखां सालां दे विच तां इन्ने करोड़ करोड़ किलोमीटर ते निकल जांदे आ। जवाब मैनूं दे दिओ कल। चलो कम दी गल ते आओ, फोर्स जिहड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो इज अ वैक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वैक्टर क्वांटिटी। मैं तुहानूं क्वेश्चन लीव कीता अज, इक अज लभणा तुसीं। नंबर दो, ग्रेविटेशनल फोर्स वैक्टर क्वांटिटी है। नंबर दो एक फोर्स कराया सी सेंट्रल फोर्स, याद है सबनों? यस सर। सर सेंट्रल मून ते तो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लगदा हो यार। हुण नहीं, हुण तू कल दसी मैनू, कम टप गया हुण तां। आ जा हां तो दस दे, ओदे रिलेटेड है कोई? मैं जमा नहीं दसदा, आपे लभो। एक गल है कि काम की गलते आओ, एक फोर्स होंगे सेंट्रल फोर्स, लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, एक सेंट्रल फोर्स आधा कि का मतलब एमसीक्यू वाला चली जाता, ध्यान सुन लो गल। सेंट्रल फोर्स की होंगे आपको पता होना चाहिए, है ना? जे किसी भी बच्चे सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन आती हो बच्चा मैं दस सकता, भावे गलती दस दो मैं कोई दिक्कत नहीं। जेडी सर किसी भी ऑब्जेक्ट दे सेंटर वालों लगती है। आए हाय हाय क्या डेफिनेशन दी है, होर कोई अग लाती नमोल। जेड़ा फोर्स किसी भी चीज नु अपने सेंटर वालों खिचदा है, वो एको गल ही है। एको गल है, ठीक है सर। ਹੋਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਦੋ ਮਾਸਸ ਦੇ origin ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇਕੁਏਟ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਗੱਲ ਸਿਰਾ ਕਰੀ, ਆ ਗੱਲ ਸਿਰਾ ਕਰੀ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ origin, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਨikhil ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਆ, ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰ। ਸਰ ਫੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਅਲੋਂਗ ਦ origin ਫਰੋਮ ਦ origin। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। सेंट्रल फोर्स वह फोर्स होंगे जिहड़े दो बॉडीज दे सेंटर नूं मिलाउण वाली लाइन दे अलोंग ही लगदे आ, भावे तां उह अट्रैक्ट करे भावे उह रिपेल करे, इट डजंट मैटर। यह फोर्स कदे इदां नहीं लगणगे वी इक ऐ नूं लग्या होया ते कदे टेढ़ा लग्या होया, समझ आ रही गल? यह फोर्स इदां दे फोर्स होंगे जिहड़े इस लाइन दे अलोंग लगदे आ, भावे तां अंदर नूं लग जाण भावे बाहर नूं लग जाण, टेढ़े नहीं जांदे उपर थले नूं इधर उधर नूं नहीं जांदे, क्लीयर आ गल कि नहीं? क्लीयर, बाहर नूं नहीं आउंदे, इस लाइन ते ही रहिंदे आ, उन्हां नूं बोलदे सेंट्रल फोर्स। लिख दिओ सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन, लिखो सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स, सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग, विच एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, line joining the centers of two bodies, do bodies de center nu milan wali line de along lagde ohna nu bolda main ki bolda ohna nu are called as central force, clear? Yes sir. Oh samajh aa gayi central force, samajh aa gaya gravitation da basic funda, samajh aa gaya. Hun na ek din bada vi khabar aayi 30% syllabus delete karta, ohde vich ek delete karaya hoya topic
एक डिलीट करा टॉपिक आ ध्यान ना सुन लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है 5 मिनट का टॉपिक होना मेनू लगदा ध्यान ना सुन लो कट डिलीट करता कट डिलीट करता ओ इना कराता ते एक गल और दसा ओदी डेफिनेशन कराए बिना ना ओदे फार्मूला लब्बे बिना कोई टॉपिक नहीं हुंदा गाला ठीक है ना ता करके भी वो टॉपिक तो फिर आपां नू करना पऊगा लिख लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो ग्रेविटी मैं वर्ड बोलिया सी भी ग्रेविटी किसी पर्टिकुलर प्लैनेट दे नाल रिलेटेड वर्ड आ ये गल बोलिया सी ना तुहानू तां किसी प्लैनेट दे नेड़े तेड़े जदों कोई बॉडी नू फ्री फॉल करवाया जांदा ठीक है तां उदों उस प्लैनेट दे सेंटर वल नू भजदी आ ओके गल सही है गलत आ गल सही है गलत आ हां भाई ओ गल सही है गलत आ हां जी सर सही है हाँ कर दिया करो तीन बार पूछा मैं गल इतने क्लास चुंदे तो हुण तक डर दे मारी तुसी कंबी जाना सी हां भी जल्दी दस दिए नहीं तो पंगा पै जूगा ये तो मैं दूर हाँ ता करके मैं तुहानू कुछ कहिंदा नहीं आ जाओ इन्ने बैठे हो सर मैं तो पुठे टंग देना न्याणियां नू हाँ भाई ध्यान नाल सुन लियो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ना वो जिदा ओहदे च हुंदा ना शोले मूवी च गब्बर सिंह हुंदा सी भी जब की कहंदे हुंदे जब बच्चा सोता है ना रात को रोता है कि सोता है इदा करके डायलॉग हुंदा सी एक है उसकी माँ कहती है बेटा सो जा है नहीं तो गब्बर आ जाएगा इदा हुंदा ना ठीक है ना जो डर डर घट लगे तुसी मैनू याद कर लिया करो डर लगन लग जूगा समझ आ रही गल कि नहीं आ रही आ जाओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो मैं एक गल करी तुहाडे नाल देखो गप्पा मार लिया करो मैनू कोई दिक्कत नहीं ठीक है पर जो आप पढ़ना होंगे ना उदो कंसंट्रेट हो जाया करो ठीक है ना क्योंकि गलां गलां दे नाल टाइम वधिया लंघ जांदा हैगा नहीं तो साइंस टाइम कला मैं पढ़ाई जाऊंगा तुसीं भी बोर फील करोगे तो एक अद्धी गल मैनू फिर गप भी सुनाने पैंदे कई बार है ना आ जाओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी वर्ड मैं हुण ही दस्सिया जिद्दां तुहानू बेटा कि ग्रेविटी वर्ड जिहड़ा ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨਟ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਆ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਆ ਅਰਥ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਠੀਕ ਆ ਅਰਥ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਆ ਤੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਪਲੈਨਟ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਓਕੇ ਆ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੂਨ ਘੁੰਮਦਾ ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਥ ਆ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਆ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਆ ਸੈਂਟਰ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਬਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਸਮਾਲ ਐਮ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੋਪਿਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਇਹਦੀ ਲਿਖੋ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਅ ਬਾਡੀ ਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਅ ਬਾਡੀ when it falls freely under gravity when it falls freely under gravity the acceleration produced in a body when it falls freely under gravity is called as ki bolde nu acceleration due to gravity acceleration due to gravity it is denoted by g ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਈਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਚ ਇਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹਾਈਟ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ
मैं इथों इथों मैं मान लो भी इस मार्कर नूं छड्या ते मार्कर नीचे नूं डिग्गिया ना इह च जिहड़ी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होई ओह जी आ पर जे मैनूं 2-5000 किलोमीटर उपर ले जाके छड्डा तां फिर एक्सेलरेशन जी नहीं होऊ समझ आ रही है तां मैं इह मन के चलदा भी इह बॉडी अर्थ दे बहुत नेड़े आ ओके यानी कि इहदी आ हाइट ना इह नेगलेजिबल हाइट आ इत्थे एरो ला के लिख देना मैं नेगलेजिबल हाइट ए हाइट नेगलेजिबल है ज्यादा नहीं ओके और दूजी वाले भी मास एम आ तो वेट कितना होगा इस बॉडी का एम जी वेरी गुड शाबाश एम जी दोनों बॉडीज दे विचकार आ हाइट नेगलेजिबल है एक काम कर दे मैं डायग्राम ना अच्छा इस अर्थ की रेडियस कितनी है आर आर हुण तुसी कहना जी आ तो आर तो भी ज्यादा है नेगलेजिबल कितना है ना आप थोड़ा छोटा कर देने हूँ ठीक है हूँ आ नेगलेजिबल हाइट आ ठीक है इत्थे बॉडी आ बॉडी का मास स्मॉल एम आ वेट इहदा एम जी आ और ऑलमोस्ट आप मन के चलते भी अर्थ की रेडियस के बराबर ही है ना दोनों के विचकार की डिस्टेंस क्लीयर है कि नहीं क्लीयर यस सर लिखो सपोज small m hega mass of body at negligible height falling freely at negligible height earth de surface to negligible height te m mass a m mass di body freely fall kar rahi hai okay is to alawa capital m ki a mass of planet ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਲੈਨਟ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਕੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਪਾ ਲਓ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆਰ ਕੀ ਜੀ ਜਾ ਬੇਟਾ ਆਰ ਹੈਗੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਆਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਯੈਸ ਸਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਸਿਗਨਲ ਵੀਕ ਆ ਤੇਰੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਵੀਕ ਆ ਆ ਜਾਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਵੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਨਿਊਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫੋਰਸ ਵੇਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮ ਜੀ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਮ 1 ਐਮ 2 ਪਾਉਣ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਜੁਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਵੇਟ ਆਫ ਦ ਬਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂ ਬਈ ਸਹੀ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਅਰਥ ਐਂਡ ਬਾਡੀ ਬਿਟਵੀਨ ਅਰਥ ਐਂਡ ਬਾਡੀ ਲਓ ਜੀ ਵੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਲ ਐਮ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮ ਜੀ ਪਰ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਸਮਾਲ ਐਮ ਓਵਰ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਵੇਅਰ ਆਰ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹਾਈਟ ਮੈਂ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਬਾਡੀਜ਼ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਦੋਨਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਮ ਨਾਲ ਐਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੱਚੀ 9.8 ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਪੁੱਟ ਕਰੋ
ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਅਰਥ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 6371 ਜਮਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਸੋਚ ਲਾ ਆਹੀ ਹੈ ਸਰ ਰੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰੇ 9th ਸਿਗਰ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ 100% ਐਕੂਰੇਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਘੱਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਹਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਈਟ ਆਇਆ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਈਟ ਆਇਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਈਟ ਆਇਆ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 6371 ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 6400 ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਸੌਖੇ ਆ ਜਾਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਜਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਠੀਕ ਆ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ ਮਾਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਕਸ ਆ ਅਰਥ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਟੱਕੜੀ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਲ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਅਗੇ ਹੈਪੀ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਤੋਲਤਾ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਨ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਮੂਨ ਦੀ ਮਾਸ ਰੱਖ ਦੋ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਮੂਨ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਮੂਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਜੂਗੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਅਰਥ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਊਗੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਊਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਤੋਂ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਬਈ ਯੈਸ ਸਰ ਲਿਖਿਓ ਫੋਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਫੋਰ ਦਾ ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਓ ਫੋਰ ਅਰਥ ਅਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਐਮ ਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰੱਟੇ ਘੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ 5.97 6 ਇੰਟੂ 10 ਇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 24 ਮੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੀ ਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਘਰੇ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੇ 9.8 ਨਾ ਆਈ ਜੇ 9.8 ਨਾ ਆਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਨਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬੇਟਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਟਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਓ ਲਿਖਿਓ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਿਦ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀ ਵਿਦ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹਾਈਟ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਟ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਘਟੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਘਟੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਛੱਤ ਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਅਰਥ ਆ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅਰਥ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਓ ਠੀਕ ਆ ਆਹ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਏ ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਆ ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਰੇਡੀਅਸ ਮੰਨੀ ਆ ਆਰ ਆਰ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਕਿਉਂ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ ਅਰਥ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ
ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਰਥ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਪਲੈਨਟ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਬੋਡੀ ਮਾਸ ਆ ਸਮਾਲ ਐਮ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਆ ਸਮਾਲ ਐਮ, ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਚ ਹਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਐਚ ਹਾਈਟ ਤੇ। ਐਚ ਹਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਆ, ਇਹ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਆ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਆ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਓਵਰ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠੇ ਚੱਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਜੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਲ ਐਮ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਬੋਡੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੀੜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਹੂਗੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਾਨ ਬੋਡੀ, ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਾਨ ਪਲੈਨਟ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰ, ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗੀ ਪਲੈਨਟ ਟੂ ਪਲੈਨਟ? ਹਾਂ, ਪਲੈਨਟ ਟੂ ਪਲੈਨਟ ਵੈਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਮਾਸ ਆਫ ਪਲੈਨਟ ਆ ਨਾ ਐਮ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ, ਜੇ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਮਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲ ਜੂ, ਰੇਡੀਅਸ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲ ਜੂ। ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਜਲਦੀ। ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ 48, 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਜਾਓ, ਲਿਖਿਓ ਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਟ ਹਾਈਟ, ਸੋਰੀ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਏ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ, ਸਰਫੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਆ, ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਜੀ ਏ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਏ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਜੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੰਨੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ 9.8 ਨੀ, ਜੀ ਐਮ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਜੀ ਐਮ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਚ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ, ਐਂਡ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਐਟ ਹਾਈਟ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਐਚ, ਹੁਣ ਐਚ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਚ ਹਾਈਟ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਡੈਸ਼, ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਜੀ ਡੈਸ਼, ਔਰ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਜੀ ਐਮ ਅਪੋਨ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਣਾਇਓ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਤਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮਾਸ ਅਰਥ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਮੈਂ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨਦਾ। ਯੈਸ ਸਰ, ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਸ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਐਮ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਆਰ ਪਲੱਸ ਐਚ, ਆਰ ਪਲੱਸ ਐਚ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ,
एंड इट इज इक्वेशन नंबर कितनी बन गई साड़ी इक्वेशन नंबर टू किसी बच्चे नु कोई शक हो वेद वो क्वेश्चन कर सकता नो सर सौखी गल है एक ही कुंडी है भी मास इक्वल क्यों रखा तुसी मास ता इक्वल रखा बिकॉज बाहर हवा आ डिवाइड कर दो आंसर आ गया तुहाडा इक्वेशन टू डिवाइड बाय इक्वेशन वन मेरे को आ गया जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम बाय जी डैश उपर लिखा मैं जी एम बाय आर प्लस एच का ऑल स्क्वेयर डिवाइड बाय जी एम बाय आर का स्क्वेयर जी एम नाल जी एम कैंसल हुंदा कि नहीं हुंदा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वेयर दिस इज द जनरल फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला आ गया मैं कुछ शक हो पुछ लो हाँ भाई आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर ए फार्मूला लार्ज हाइट वास्ते है लिख दो फॉर लार्ज हाइट्स जे जी डैश फाइंड करना तो किदा फाइंड करूंगा इन मैं इक्वेशन नंबर जानबूझ के तीन दिता ठीक है इतों मेरे को आ गया इतों मेरे को जे मैं जी डैश फाइंड करा तो जी डैश की वैल्यू आ गई आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वेयर इंटू जी दिस इज द फॉर्मूला लिख दो एरो ला के लिख दो फॉर्मूला फॉर लार्ज हाइट्स फॉर्मूला फॉर लार्ज हाइट्स वड्डिया हाइट्स का फॉर्मूला वड्डिया हाइट्स वास्ते यही फार्मूला लावांगे इक्वेशन नंबर चार जदों भी वेरिएशन देखना वड्डी हाइट 10,000 किलोमीटर उपर चले गए तो एच की वैल्यू 10,000 किलोमीटर आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर आ फार्मूले च जी डैश आ जाऊगा तुहाडा एक गल इत्थों क्लीयर हो रही है ध्यान नाल देखो उत्थों नहीं इत्थों क्लीयर हो रही है उपर टर्म छोटी ते थले वड्डी दिख रहा दिख रहा देखो हां जी यस सर उपर आर नीचे आर प्लस एच नीचे वड्डा और जे नीचे टर्म वड्डी उपर छोटी तो इधर भी उपर छोटा न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर वड्डा मीनस जी डैश इज ऑलवेज लैस दैन जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट गई मतलब कि हाइट ते जाए वेट घट जाता बंदे का तो हम जे किसी का वेट वूट घटा हो तो चढ़ दिया करो बंद समझ आ रही गल कि नहीं आ रही हाइट ते भेज दिया तरह वेट घटा दें शॉर्टकट मैथड है देखो कि वधिया मैथड दसिया ठीक है किसी भी घर च कोई ज्यादा भार वाला कोई ज्यादा वेट वाला बंदा हो उन्हों को भी देख तेरा वेट घटा दांगे पर ए इंस्टेंटली घटूगा ठीक है और तेनु अच्छी फीलिंग आऊगी ठीक है सर एलिवेटर है एलिवेटर वाला जेड़ा स्पेशल सर एलिवेटर ते जरा दी हां भी सही है आ जाओ एरो ला के लिखे फॉर स्मॉलर हाइट्स छोटियां हाइटा वास्ते फॉर स्मॉलर हाइट्स जिहड़ियां निक्के निक्के हाइटां उहनां दे वास्ते लिखिए भाई छोटियां हाइटां निक्कियां हाइटां जे करनियां तो उहदे वास्ते मैं की करूंगा डी जी डैश इज इक्वल टू ऐसी इक्वेशन अगे लैके जाऊंगा आर स्क्वेयर अपॉन इहनू चक्को और आर आर नू बाहर कढ लो जदों आर ब्रैकेट चो बाहर आया तो स्क्वेयर उहदे नाल लग गया सही लिखा मैं गलत लिखा मैं आर नू धक्के नाल कॉमन ले लिया तुसीं कहोगे इदां नहीं कोई कॉमन हुंदा तो मैं कहूंगा हाँ जी हुंदा धक्के नाल कॉमन लेना ठीक है आर नू धक्के नाल कॉमन ले लिया इत्थे रह गया वन इत्थे रह गया एच अपॉन आर चैक करो मैं गप्प नहीं मारिया बाहर स्क्वेयर लाता नाल जी लग गया नोट कर लिया सबने ये समझ आ गया किदां कीता यस सर आर स्क्वेयर नाल आर स्क्वेयर कैंसल जी डैश इज इक्वल टू वन प्लस एच बाय आर दी पावर माइनस दो और नाल लग गया जी जी हाँ भाई तुहानू बाइनोमियल थ्योरम आउंदी सारिआं नू यस सर शाबाश गुड
बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो बायो वाले खास तौर पे बाइनोमियल एक्सपेंशन पेज के उपर खाली थां होगा तुहाडे कोल पेज का उपर खाली थां जिहड़ा हुंदा इसे वास्ते हुंदा बाइनोमियल एक्सपेंशन यह कहिंदा कि जे वन प्लस एन की पावर वन प्लस एक्स की पावर एन हो गई ठीक है और एक्स की वैल्यू एक तो बहुत छोटी हो वास्ते फोर एक्स इज मच लैस दैन वन जो एक्स की वैल्यू आ वैल्यू एक तो बहुत छोटी हो मैं इनू की लिख सकता मैं वैसे तो एक्सपेंशन बहुत वड्डा फिजिक्स इन्ने वाली गड्डी चल जूगी वन प्लस एन एक्स एन नीचे उतार लो वन प्लस एन एक्स ये पावर माइनस दी आ समझ आ रही गल कि नहीं आ रही दोबारा लिख देना फोर एक्स इज मच लैस दैन वन जिहड़ा तो वन प्लस एक्स की पावर एन आगा वन प्लस एन एक्स पावर ना ला दो लियाके जे वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन है तो वन माइनस एन एक्स आ जूगा दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन नोट कर लिया सब ने नोट कर लिया पुत्रो जे नोट कर लिया तो आ जाओ बेटा जी डैश कि आ गया जी डैश इज इक्वल टू वन माइनस टू एच बाय आर इन टू जी कितों फ्रॉम किहड़ा एक्सपेंशन बाइनोमियल हाँ बोलो भाई क्वेश्चन है बाइनोमियल एक्सपेंशन आ माइनस टू इतने लग गया यह तो फॉर्मूला छोटिया हाइटा वास्ते आ गया वन माइनस टू एच बाय आर फॉर्मूला फॉर समॉलर हाइट्स भावें फार्मूला वड्डिया हाइटा का होवे भावें छोटिया हाइटा का होवे ठीक है भावें फार्मूला वड्डिया हाइटा का होवे तो भावें छोटिया हाइटा का होवे हुण एक गल दसां वी वड्डिया हाइटा का मतलब छोटिया हाइटा का मतलब की है जिहड़ा फार्मूला तुसीं आह वाला लाउणा इह तुहाडा हमेशा याद रखियो 10 किलोमीटर तों लैके 500 किलोमीटर तक लगेगा फार्मूला एच दी वैल्यू 500 किलोमीटर दे तो छोटी होवे और 10 किलोमीटर तो वड्डी होवे 10 किलोमीटर तक तो फिक्स कर लियो 10 किलोमीटर तक तो 9.8 आ फिक्स है तुहाडा 10 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं ठीक है 9.8 ही है उस तो बाद दिक्कत आ बेटे समझ आ रहा कि नहीं आ रहा यस सर ओके तो यह फॉर्मूला लाना छोटिया हाइटा वास्ते 10 किलोमीटर तो लैके 500 तक ओके और ओ वाला फार्मूला जी ते डेप्थ का की इफेक्ट है दिस इज द पॉइंट ये साडा पॉइंट आ जी ते डेप्थ का यानी कि जी ते जी जा उहदा वेरिएशन अर्थ दे विच जाया किना होगा उपर नूं जाया ते कर लिया हुण थल्ले नूं जाया किना होगा इट इज अ स्पेसिफिक टॉपिक ठीक है एक क्यों स्पेसिफिक आ क्योंकि उपर वल नूं जदों गए सी तां मास दे विच कोई चेंज नहीं सी आया पता ना तुहानूं कल्ला आर दा चेंज आया सी मैं तुहानूं कल गल भी कीती क्योंकि बाहर हवा आ हवा दा मास निकले जी बल एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ या एज कंपेयर टू मास ऑफ द प्लैनेट इहदे करके साडा जी एम जी दोनों सेम कैंसल हो गया सी साडा आंसर बड़ा ईजीली आ गया सी इत्थे कैंसल नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ दे विच जाओगे तां मास चेंज होगा वैरी करूगा इहदा मास भला उस प्लैनेट दा जिथों तक असीं अप्रोच कीती आ ठीक है किदां चैक करदे आ आपां आ जाओ असी की कीता हुण अर्थ एतवार वड्डी बनाउणी छोटी नहीं बनाउणी क्योंकि छोटी बनाई तो तुहानूं भुलेखा पाऊगा देखो भी डायग्राम ठीक बने ओके आ सेंटर अगे वांगू सरफेस ते एक पॉइंट आ मेरे कोले जिद्दां पहला सरफेस ते पॉइंट सी एतवार भी सरफेस ते पॉइंट आ ए सरफेस पॉइंट ए आ ए पॉइंट ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं जी मनी हुण मैं थल्ले वल नूं आ रहा और दिस इज द सेंटर
आ अर्थ दा सेंटर आ सेंटर सी सी पॉइंट तक दी डिस्टेंस जड़ी है वो है कि रेडियस आर दे बराबर इत कोई शक वाली गल पता लग रहा पर मैं सेंटर ते नहीं गया मैं टोआ पुटना शुरू करता है कह लो ठीक है अर्थ दे उत्ते टोआ पुटना शुरू करता और थले नू तुरिया जाना टोआ वड्डा होई जांदा ओके और दी वैल्यू मैं वधा वधा के वधा वधा के वधा वधा के किन्नी करदा एक्स करा के डी करा बोलो डेप्थ है किन्नी करा एक्स सर एक्स चलो एक्स एक्स डेप्थ तक मैं इनू ले गया एक्स मैं बी पॉइंट ते पहुंच के दिस इज द पॉइंट बी ए पॉइंट बी आ पॉइंट ए आ बी पॉइंट ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डैश कुछ शक किसे नू समझ आ रही गल कि नहीं यार अर्थ दा टोटल मास या प्लैनेट दा टोटल मास कैपिटल एम ये गल आपां सपोज करांगे ठीक है गल आपां सपोज करांगे लिख दो सपोज कैपिटल एम मास ऑफ प्लैनेट ब्रैकेट च पा लियो अर्थ कैपिटल आर रेडियस ऑफ प्लैनेट ब्रैकेट च पा लियो अर्थ ओके ए पॉइंट सरफेस ते बी पॉइंट एक्स डेप्थ ते है डेप्थ दी स्टोरी गांह चलाउने आ नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाउ at point A on the surface, at point A on the surface, surface point ते, surface ते कोई point A, इधर ते मैं find कीता बेटा, इस point ते मैं G दी value G लिखी, जिधा मैं मन्नी है, और दा formula मैंनू आउंदा है GM by R square, जिधा कि मैं तो नुकाल करवाया सी, मैं नवा कोई फार्मूला नहीं लेके आता मेरे को फार्मूला मैं उसे यूज कर रहा इन इक्वेशन नंबर वन हजे नहीं पाना इन इक्वेशन नंबर वन नहीं पाना तो तुम कहना जी क्यों नहीं पाया वन बिकॉज मैं चाहना भी मैं मास नू डेंसिटी च कन्वर्ट करा इतने एक चीज होर डिफाइन कर लियो कौमा ला के ठीक है इतने लिख देना मैं रो डेंसिटी ऑफ अर्थ डेंसिटी ऑफ प्लैनेट प्लैनेट ब्रैकेट च पा देना अर्थ प्लैनेट की डेंसिटी है बेटा ठीक है रो 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 का मतलब रोना नहीं रो का मतलब डेंसिटी कहते आखो सर रो रो करी जाते पता नहीं कह तो पी की पूछ मरोड़ दो रो बन जाता समझ आ रही पी की पूछ मरोड़ दो रो बन दिया आज हूँ मैं मास नू लिखना बेटा सानू फार्मूला आता पेज के उपर पर लिख सकते हो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इन टू वॉल्यूम क्यों भी आता कि नहीं आता फार्मूला है सारे बोल दो हाँ ना कर दो हाँ जी सर हाँ जी आ जाओ मैं फार्मूला इतने यूज कर मेरे को जी का फार्मूला की बनया कैपिटल जी बाय आर स्क्वेयर इंटू मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू हाँ जी स्फीयर दी वॉल्यूम कितनी होंगी गोला है ना अर्थ फोर पॉइंट थ्री पाई आर क्यूब लो भी आर स्क्वेयर दे नाल आर दी पावर तीन एडजस्ट होगी तो मेरे को जी दी वैल्यू जिहड़ी आई वो कितनी आई पुत्रो मेरे को जी दी वैल्यू जिहड़ी आई वो आई फोर अपॉन थ्री पाई रो जी आर पाई रो जी आर पाई रो जी आर रोबो जी नहीं बोलिया मैं रो जी बोलिया कहते को सर वार वार रोबो जी कही जाते की बोलिया मैं रो जी इक्वेशन नंबर वन इनू पावांगे क्योंकि डेंसिटी थ्रू आउट द प्लैनेट कॉन्सटेंट आ सारे प्लैनेट के मैं मानता भी डेंसिटी कॉन्सटेंट आ डेंसिटी रो आ ओके फिर की होया फिर मैं टोआ पुटिया धरती माता च ठीक है धरती माता के टोआ पुट के मैं कितनी डेप्थ से चला गया बेटा
एक्स डेप्थ ते चला गया तो एक्स डेप्थ ते जो गया तो उत्थे जिहड़ा गोला बनूगा जिहड़ा स्फीयर उत्थे बनूगा वो स्फीयर इदां दा होगा। देखो मैं किन्ना सोहना स्फीयर बनाया बनाया कि नहीं बनाया तुसीं भी बना सकते ये बी पॉइंट ते बनाया। अच्छा ये अंदर अंदर हुण मास जिहड़ा लिखना वो मास एवं थोड़ी होगा मास तो वह लिखना जो अंदर बंद होगा और बाहर जो आलू छिल दिए क्यों बे संतरा खादा सारे ने yes, sir. Yes, sir. संतरे नूं किदां खाईदा आपां उतो छिलका उतार के उचो कई बार निकल जाए कदे मोटी छिलड़ संतरा खादा होना किसी ने वह छिलड़ अद्धा अद्धा वेट तो उदा ही हुंदा बचा निकल जाए बेचारा निकलता वह हिसाब किताब हो गया उतो छिलका तो उतारता किन्नी मोटाई का किन्नी थिकनैस का एक्स का बेच आ समान बच गया तो मास तो ये मना गए ना असी समझ आ रही गल कि नहीं आ रही और मास एम नहीं गया इतनी बार अजकल मास खाँगे एम डैश आ जाओ ए मास मैं मनूंगा एम डैश पर की डेंसिटी अलग होगी क्यों भाई मेरी गल सुनो जो आलू इन्हों छिल दी उपरों तो विचों आलू जो है पतला निकलता है की पता आलू का लिक्विड बनया हो एको जी हुंदा यानी कि डेंसिटी जे बाहर रो आ तो अंदर भी किन्नी आ रो सर रो डेंसिटी रो डैश ना कर दियो ठीक है डेंसिटी अंदर भी रो गल क्लियर है कि नहीं क्लियर तो पॉइंट बी एट डेप्थ एक्स नाउ एट पॉइंट बी एट डेप्थ एक्स एक्स डेप्थ ते मेरे को पॉइंट बी आ मैं पॉइंट बी ते जो जी की वैल्यू लिखी तो मैं वैल्यू मिली जी डैश कल भी मैं जी डैश लिखवाई सी अज भी मैं की लिखवाना जी डैश ओके तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर जी तो ठीक है यूनिवर्सल कॉन्सटेंट आ पर एम की बजाय मैं किना लिखूंगा एम डैश आप आर की बजाय मैं किना लिखूंगा मैं दसो भी यदि डेप्थ किनी रह गई यदि हाइट आ किनी रह गई आर माइनस एक्स हाँ आ वाली जी हैगी डिस्टेंस ये रह गई इतने मैं लिख दिना आर माइनस एक्स जिन्हों समझ नहीं आया वह बच्चा माइक ऑन करके मैं पूछ सकता डायग्राम ढंग बना लियो गलत ना बना लियो सर योर स्क्रीन इज ब्लर्ड वो भी मेरे को बहुत साफ आ निखिल ज्वाइन कर ले दोबारा ठीक है लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ला आ जाओ जी डैश इज इक्वल टू जी बाय आर इंटू एम डैश एम डैश मास इज इक्वल टू डेंसिटी इन टू वॉल्यूम फोर अपॉन थ्री सॉरी डेंसिटी हो गया रो रो सेम आ पर मास अलग आ इन टू फोर अपॉन थ्री पाई आर माइनस एक्स का क्यूब जिन्हों आ चीज समझ नहीं आई वह पूछ लो साइड से नोट कर लियो की लिखोगे एम डैश इज इक्वल टू रो इन टू वॉल्यूम एम डैश इज इक्वल टू रो इन टू वॉल्यूम सिंस करके साइड पर लिख लियो एम डैश मास है एंड दिस इज इक्वल टू रो डेंसिटी इन टू वॉल्यूम ओके आ जाओ भाई जी डैश आ बाकी तो कैंसल हो जूगा आर स्क्वेयर सी भी सॉरी एक मिनट में गलत लिख रहा ना की गलत लिख रहा भला आर नहीं आर माइनस आर नहीं इतने आर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर और इतने भी किन्ना आऊगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर बोल पाया करो पहले ही हाँ भाई तो आर माइनस एक्स का स्क्वेयर इतने कैंसल हो गया मेरे को इक्वेशन बन गई फोर अपॉन थ्री पाई रो जी आर माइनस एक्स तो रो जी तो नहीं बोलिया मैं की बोलिया मैं मतलब बोल दो रो जी बोलिया रो जी बोलिया रो जी बोलिया रो हाँ रोवो जी नहीं बोलिया ठीक है किसी रोना आता तो नहीं देख देख के भी इदा का की हो जाता सौखा ही है मुश्किल तो नहीं हाँ जी सर बेटा एक गल तो तुम 100% सोच लियो भी जिड़ी जिड़ा सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने तो बाद सब कुछ टैक्निकली सोचोगे तुम्हारे सोचण का दायरा वधूगा तुम हरेक गल को टैक्निकली फील करोगे ये नॉन मैडिकल की पढ़ाई का ही फर्क है दूजे सब्जेक्टा ठीक है ये गल की गरंटी है अपने आ जाओ जी डैश और जी रेशो ले लिए इक्वेशन टू डिवाइड बाय इक्वेशन वन रेशो ले लिया मैं जो मैं रेशो ले लिया मेरे को आ गया
मेरे को आ गया जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई रो जी आर माइनस एक्स अपॉन 4 अपॉन 3 पाई रो जी आर। लो जी 4 अपॉन 3 पाई रो जी उड़ गया कि नहीं उड़िया, उड़िया कि नहीं उड़िया, उड़ गया। वेरी गुड, शाबाश। तो जी डैश इज इक्वल टू जी डैश अपॉन जी, दिस इज इक्वल टू जी नाल जी कैंसिल हो गया, उपर रह गया आर माइनस एक्स अपॉन आर, आंसर आ गया। अच्छा मैंने एक गल दसो, वैसे तो आंसर नहीं गया थोड़ा, आंसर मैं गा जी नूं उधर मल्टीप्लाई करूं, इदा भी यह भी आंसर कर सकते तुसीं, वड्डा मैटर है नहीं। इतों मैं एक गल समझा सकदा करके मैं बॉक्स लाया, तो मैंने एक गल दस दो जी कि आ गया, यह आ गया आर माइनस एक्स बाय आर इंटू जी, आडा आंसर। फिर इनू मैं होर थोड़ा जहा खोलदा, इन होर ओपन करदा, तो मेरे की आता, मेरे को आता जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन आर इंटू जी, दिस इज द आंसर। इस कोई छोटी डेप्थ नहीं, कोई बड़ी डेप्थ नहीं, एक ही आंसर है तुहाडा, कोई छोटी डेप्थ नहीं, कोई बड़ी डेप्थ नहीं, दिस इज अ सिंगल आंसर, एक ही आंसर। और वो आंसर सानू दसदा की है, वो देखो की दसदा, आर माइनस एक्स और आर उपर बड़ी टर्म या नीचे, बड़ी टर्म है, आ टर्म बड़ी है, तो मतलब इधर भी फिर नीचे वाली टर्म बड़ी होगी। यस सर, होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ, एदा मतलब जी डैश इज लेस देन जी, क्यों भाई, ऑल्सो जी डैश इज लैस दैन मीनस, जिदा जिदा असं डैप्थ वधावे दिस इज द रिजल्ट। तुम भावे आ यूज करो, तुम भावे आ यूज करो, तुम भावे आ यूज करो, घर का आ जाए थोड़ा, तीन फार्मूले देते थोन, जिना मर्जी ला लो, और नालों सू गल पता लगती है कि जी डैश इज लैस दैन जी मीनस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी डिक्रीज मीनस एक्सलेशन ड्यू टू gravity decreases with increase in depth, jidda jidda main depth x di value vadhanda jaunga, jidda jidda main depth x di value vadhanda jaunga thalle nu jai jaunga, g di value ghatdi jaugi vaddi nahi, ida matlab 100% clear ho gaya vi je g ghatya ta weight vaduga ghatuga, वेट हुंदा एम जी, दसो भी जे जी इनक्रीज कीता ता वेट वधूगा, और जे जी डिक्रीज कीता ता वेट घटूगा, बड़ा सिंपल फंडा, घटूगा, ठीक है। तो जी दी वैल्यू जे डिक्रीज करिए ता वेट घटूगा। होर गल सुनो, अर्थ दे सरफेस ते वेट मैक्सिमम आ, उपर वल नूं जाया वी घटूगा और नीचे वल नूं आया वी घटूगा, गल क्लीयर हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। एदा मतलब मैक्सिमम वेट साडा कित्थे आ, अर्थ दे सरफेस ते, असीं उपर नूं जावांगे तां नूं जावांगे कोई 100 किलोमीटर 200 500 हजार साडा वेट घट जूगा, असीं थल्ले नूं जावांगे अर्थ दे विच टोआ पुट के साडा वेट उधर नूं भी घटूगा, अर्थ दे सरफेस मैक्सिमम, कोई शक आ किसे नूं उह सवाल कर सकदा। हाँ भाई ठीक है, क्योंकि जी जिहड़ा है ना जी, जी ते वेट डिपेंड करदा। आ जाओ स्पेशल केस, स्पेशल केस की कहता प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारे बच्चों, स्पेशल केस की कहता, यह कहता भी जदों असी अर्थ के सेंटर ते जाइए, फिर एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जदों असी अर्थ के सेंटर ते पहुंचिए, जदों असी अर्थ के सेंटर ते चले गए, उत्थे मैनू दसो भी एक्स की वैल्यू कितनी हो जूगी, जीरो हो जूगी, एक्स की वैल्यू घट के जीरो हो जूगी। यस सर, जी इज इक्वल टू जी डैश आ जूगा। सियाणा बहुत आ तू, है ना, सियाणा बड़ा तू, मैं कहता एक्स की वैल्यू जीरो हो जू, तू मान जा,
x दी वैल्यू नहीं जीरो होगी सर, x दी वैल्यू r दी इक्वल हो जाएगी। हाँ, अरे इतने भी लकीर के फकीर मत बनो भी, कोई बंदा बोलता तो तुसी उन्हें 100% ओदा दा ओदा ही कॉपी मारी जाने, अकल तो ला लो आप दी भी, टीचर गलत बोली जांदा। x इज इक्वल टू r हो गया, x दी वैल्यू वध के वध के वध के वध के वध के इथे आके कितनी होगी r दे इक्वल, x वध रहा है घट रहा है, मैं जीरो करी जाना तुसी मन्नी जाने, x इज इक्वल टू r, तो फ्रॉम आ इक्वेशन नंबर पाओ 3, फ्रॉम 3 10 नंबर इक्वेशन तो g डैश कितना आ गया 1 माइनस r / r * g, r / r कैंसिल कर दो, 1 माइनस 1 * g कितना आ गया भाई 0 महाराज, 0 0 0 g डैश 0, पढ़दा नहीं तू, ध्यान नहीं करता, मीन्स अर्थ दे सेंटर ते असी वेटलेस होने हैं, होंदे कि नहीं होंदे, हाँ जी लिख दो, मीन्स मीन्स अ बॉडी इज वेटलेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ, मीन्स अ बॉडी इज वेटलेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ, बॉडी इज वेटलेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ, नोट कर दो। अगला पॉइंट इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ या इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द प्लैनेट, वो इथों तो लैके इथों तक जे किसी बच्चे नू कोई हजे तक प्रॉब्लम हैगी आ, वो बच्चा माइक ऑन करके बोल दे, मैनू कोई दिक्कत नहीं, वह तो सौखे टॉपिक ही है, पर चलो ला देने तुसी सैन, नन्ने मुन्ने बच्चे हैं, नन्ने मुन्ने बच्चे जो जिद कर फिर जिद मान लई दी हुंदी आ, इफेक्ट ऑफ शेप ऑन जी, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ प्लैनेट कर दो, प्लैनेट दी शेप दा की इफेक्ट आ ऑन जी, दिस इज द टॉपिक। तो देखिए आ जाओ, मैं दसो अर्थ की शेप केड़ी है, स्फीयर, नो अर्थ इज ओवल, हाँ अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ध्यान रखियो अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अर्थ ओवल शेप का है, ओवल जानते हो एग शेप, एग शेप, हाँ एग शेप, एग थोड़ा एक पास चिब्बा होता वैसे चिब्बी नहीं, ठीक है ओवल, चिब्बा मीन्स एग इदा ना होता, एग इदा इदा होता ना, ये जमा इदा है समिट्री च, आ जाओ आ सेंटर है, इत्थे पोल आ, इक्वेटर, इक्वेटर ड्रॉ कर दा, इक्वेटर दे आले दुआले ग्रेट सर्कल होगा पता सारिआं नूं, ग्रेट सर्कल की हुंदा मेरे याद भुल गया, क्यों भाई एक वर्ड होता है ग्रेट सर्कल, ये पोलर रेडियस है आरपी, और ये इक्वेटोरियल रेडियस है, इक्वेटर की रेडियस है आरई, अर्थ दे आले दुआले एक वड्डा गेड़ा, ठीक है सेंटर ते इक्वेटर, जमैट्रिक इक्वेटर ध्यान रखियो, प्लस टू च जाके तुहाडे इक्वेटर भी दो हो जाणगे, एक मैगनेटिक इक्वेटर होर आ जूगी, हाँ जी असीं प्लस वन च ही हाँ, छोटे हाँ असीं, कंटिन्यू करिए, लिखियो अर्थ इज नॉट एज वी नो, नहीं पता तां वी लिख देना, ठीक है अपना पूरा कॉन्फिडेंस पेपर च शो करना, जिदा सानू सब कुछ आउंदा, ठीक है जे आउंदा ऐं शो करियो, एज वी नो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, एज वी नो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर,
it has oval shape. Earth is not a perfect sphere. It has oval shape. इदी shape oval हुंदी है, ठीक है? Oval shape दा मतलब इस type दी shape. Note कर रहे हैं सारे ने? Yes sir. Suppose करांगे, लिखो. Suppose R E हैगी equatorial radius या radius at equator. इक्वेटोरियल रेडियस कह लो या रेडियस एट इक्वेटर कह लो, गल एक ही है. आर पी हैगी पोलर रेडियस. केड़ी रेडियस है पुत्र? पोलर रेडियस. आर ई हैगी इक्वेटोरियल रेडियस, आर पी हैगी पोलर रेडियस. किसी भी बच्चे नु कोई शक? चलो एट इक्वेटर जे मैं इक्वेटर ते चेक करा तो इक्वेटर ते जी दी वैल्यू आऊगी, जी दे पैर च पी लिखदा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सॉरी ई, इक्वेटर दा ई लिखता. मतलब इस जगह ते जी दी वैल्यू जी ई आ, पोल ते जी दी वैल्यू जी पी आ. ओके, तो जी ई दी वैल्यू आ गई जी एम बाय आर ई स्क्वेयर. किसी बच्चे नु कोई शक है? क्योंकि जिथे वैल्यू फाइंड करनी रेडियस तो उतों की कंसिडर होगी. जे इक्वेटर से फाइंड करनी इक्वेटोरियल रेडियस कंसिडर करा, जे पोल से फाइंड कर ली पोलर रेडियस कंसिडर करा. किसी बच्चे को कोई शक? इक्वेशन नंबर वन एट पोल्स, पोल्स से होगी जी पी इज इक्वल टू जी एम बाय आर पी स्क्वेयर. इट इज इक्वेशन नंबर टू. कोई शक? बहुत प्यारे बच्चे हो, कोई शक? नो सर. नो सर. ओके ठीक है. असी कंपेयर कर लिए, असी चाहते हैं भी सानू पता लगे कि इथे जी दी वैल्यू ज्यादा या इथे जी दी वैल्यू ज्यादा है ना. ओके, तो इक्वेशन वन डिवाइड बाय टू करा, टू डिवाइड बाय वन करा? टू बाय वन सर. मैं तो हम वन बाय टू करता, तू पहला नहीं बोलिया है, तेन पहला बोलना चाहिए है. हम तो कोई ना, ठीक है, अगली बार टाइम ना बोलनी. जी ई अपॉन जी पी, तू इदा कर ला ना, तू जी पी बाय जी कर, कोई दिक्कत नहीं, तू आप दे हिसाब नाल कर ला, आंसर नु कोई फर्क नहीं पैंदा. आंसर तो सर आ ही जाऊगा, तो टेंशन नहीं लेनी, आंसर आप ही आ जाऊगा. जी एम बाय आर ई स्क्वेयर डिवाइड बाय जी एम बाय आर पी स्क्वेयर. जी एम नाल जी एम कैंसल. जी ई अपॉन जी पी इज इक्वल टू आर पी बाय आर ई दा कंबाइंड होल स्क्वेयर. सानू की समझाउंदा भई, सानू ये फार्मूला की समझाउंदा, कित्थे जी दी वैल्यू ज्यादा आ, इक्वेटर ते या पोल ते? पोल ते सर. पोल ते. सानू दिखाई दे रहा इतों भी उपर वाली टर्म छोटी आ, आर पी इज सेंस स्टाइल ना लिखी दा, सेंस आर पी इज लैस दैन आर ई. सानू दिखी जाता है कि आर पी इज लैस दैन आर ई, दिखी जाता ना, सानू पता ही है, डायग्राम तो पता लगी जाता. एज वी नो आर पी इज लैस दैन आर ई, एज वी नो नू पंजाबी च की बोलते हैं? जिवें कि आपां नू पता है, सानू पता है. हुण उस तो बाद इहनू ज्यादा देसी लैंग्वेज करना तो जिदा तुहानू दिखी जांदा है, ठीक है, आ जाओ. इत्थों सानू की रिजल्ट आया बेटा? देयरफोर जी ई इज लैस दैन जी पी. मतलब यह होया कि जे कोई बॉडी का इक्वेटर से वेट करिए, मान लो तुसी इक्वेटर ते खड़े हाँ, मान लो अनमोल इक्वेटर ते खड़ा अफरीका दे विच किसे थां ते, उत्थे दा वेट कर लिया सी, ठीक है, उत्थे दा वेट कर लिया, फिर ये ना की होया जहाज ते चढ़िया ते जाके सीधा नॉर्थ पोल ते चलिया गया, नॉर्थ पोल ते जाके ने उही मशीन रख के फिर वेट कर लिया, तां इहदे वेट दा डिफरेंस आऊगा. समझ दी गल कि नहीं?
आवाज नहीं रही। ग्रेविटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी वर्सेस आर, इथे आर की है मैं माड़ा जिहा नोट करदा, आर हैगी आ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। जिहड़े दो फार्मूले तुहानूं मैं करवाए हजे तक मेन फार्मूले हाइट वाला और डेप्थ वाला, वह दोने तुहानूं रेडियस की टर्म च करवाए सी, अर्थ की रेडियस की टर्म च, और असीं उहदे विच रेफरेंस पॉइंट जिहड़ा लिया सी जिथों असी हाइट फाइंड की जिथों असी डेप्थ फाइंड की अर्थ का सरफेस सीगा। मन लो भी तुहानूं अर्थ के सेंटर तो ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन पूछा जाए तो डिस्टेंस अर्थ के सेंटर तो चाहिए है। ओके ध्यान नाल सुन लो गल नूं, आवें अर्थ बनाती थोड़ी जी वड्डी बना देना, उपर भी जाऊ डायग्राम फिर ना आखियो मैनूं। आ सेंटर सी, एक लाइन मैं सीधी ड्रॉ कर देना, ये हाइट है एच, ये रेडियस है कैपिटल आर। ओके ध्यान नाल सुन लियो, मैं ये मान के चलदा भी आ जिहड़ा पॉइंट सी साडा एच हाइट वाला, इस पॉइंट की इहदे तो डिस्टेंस जिहड़ी मन्नी मैं, वो टोटल डिस्टेंस मैं मन्नी स्मॉल आर, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर तो डिस्टेंस। तो जिहड़ा आ वाला पॉइंट आ, इस पॉइंट नूं मैं लिख देना हाइट एच वाला, सरफेस वाला ए सी, इहनूं मैं बी लिख देना, ये डेप्थ ते आ वाला पॉइंट ये एक्स डेप्थ ते सीगा। ओके एक्स डेप्थ ते इहनूं मैं सी पॉइंट लिख देना, नोट करियो एट बी, बी पॉइंट ते जी डैश की वैल्यू जिहड़ी सी ओह सी आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वेयर इंटू जी, याद है सारे नूं? ओ याद है कि नहीं? यस सर याद है। ओके याद है, गुड। तो मैं वैल्यू कितनी लिखी, ये मैं लिखी कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन, हुण स्मॉल आर कितना, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, मेरी गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? तो सेंटर ऑफ अर्थ तो जो आ स्मॉल आर आ, आर प्लस एच नूं स्मॉल आर लिखदा। यस सर। ओके ताई मैं पहले ही लिखवाता भी स्मॉल आर है कि, बिकॉज वेरिएशन उन्हें सेंटर तो देखना, तो वो वेरिएशन सरफेस तो नहीं मांगता। काफी अच्छा ग्राफ है, यदा मतलब जी डैश आ फार्मूला आ गया सा, एंड इट इज जी डैश इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वेयर, यानी कि जिदा जिदा मैं उपर जाऊंगा, ठीक है, आउटसाइड आउटसाइड द अर्थ, अर्थ दे बाहर दी स्टोरी चल रही है, समझ आ रही है? उस तो बाद ए हाइट ते सी, फिर आप पॉइंट ते आ गए ए ते, एट ए, ए है ऑन सरफेस, ऑन द सरफेस, अर्थ दे सरफेस ते स्टोरी चल रही है, अर्थ दे सरफेस ते वैल्यू जमा लोई अर्गी फिक्स किन्नी जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वेयर, एंड इट इज कॉन्सटेंट, एरो लैके लिखे कॉन्सटेंट आए, कॉन्सटेंट भी है एंड मैक्सीम भी है, इस तो वड्डी वैल्यू कोई है नहीं, कॉन्सटेंट भी है और मैक्सीम भी है, मतलब इतने स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर आ जाता। नाओ इतने लिख दिना स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर आ जाता, जो स्मॉल आर की वैल्यू मैं कैपिटल आर पुट कर दा तो मेरा आंसर इन्ना होता जी एम बाय आर स्क्वेयर, पढ़िया हुआ आपने, फिक्स आ। फिर तीसरा, तीसरे दे विच की होया, एट पॉइंट सी एट डेप्थ, असी पहले तो डेप्थ की गल करते हैं, इनसाइड इनसाइड कर, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द अर्थ दे अंदर, अर्थ दे अंदर जिहड़ी डिस्टेंस लैनी आ सानू तो कहिंदा जी सेंटर तो ही पता करो, अच्छा सेंटर तो फिर डिस्टेंस आ वाली होगी, क्यों बई ए वाली डिस्टेंस आप कितनी मन्नी आ, ये बनती भी आर माइनस एक्स आ, नहीं बनती तां दसो, बनी सी कि नहीं बनी सी? हां जी सर।
ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਆਰ ਇੰਟੂ ਜੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ r minus x ਨੂੰ ਮੈਂ small r ਲਿਖ ਲਾਂ because it is the distance from the center of earth capital r constant g dash directly proportional to small r ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ g dash directly proportional to small r ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧੂਗੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਰਫੇਸ ਤੱਕ ਵਧੂਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘਟੂਗੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਆਰ ਨਾ ਸਮਾਲ ਆਰ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਲ ਆਰ ਜਿਹਦਾ ਆ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਦੂਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਮਾਲ ਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆ ਸਮਾਲ ਆਰ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਆਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰ ਆਰ ਪਲੱਸ ਐਚ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਆਰ ਲਿਖਤਾ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੱਲੇ ਸਮਾਲ ਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1 ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਆਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਨੀਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਜੇਈ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਆਰ ਮੈਂ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਕਰਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਮਾਲ ਆਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਮਤਲਬ ਆਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਆਹ ਇਨ ਸਾਈਡ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਅਰਥ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰ ਵਧੂਗਾ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਵਧੂਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਮਾਲ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਲਿਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਲਿਖਿਓ ਤੇ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ ਐਮ ਬਾਏ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੀ ਐਮ ਬਾਏ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਜੇ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਐਮ ਬਾਏ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਐਮ ਬਾਏ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਏਦਾਂ ਘਟੂਗਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1 ਬਾਏ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਨੀਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ
मैं शॉर्टकट मार लग्या बई इस क्वेश्चन दा। क्वेश्चन नंबर दो कहिंदा बॉडी, सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री, रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%। अर्थ दी रेडियस 2% श्रिंक कीती आ, ठीक है, इहदा मतलब चेंज किन्ना, डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100 इज इक्वल टू 2%। मेरी गल समझो मैं की बोलिया, चेंज इन, देखो परसेंटेज चेंज की हुंदा, मैं तुहानू फार्मूला लिखवाया परसेंटेज इनक्रीज दा, क्यों भाई, परसेंटेज इनक्रीज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ये लिखवाया कि नहीं लिखवाया? लिखवाया सर। इनिशियल वैल्यू इनटू 100, और जे डिक्रीज हो तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, अपॉन इनिशियल इनटू 100। ओ बेटा आ की चीज है, परसेंटेज इनक्रीज या परसेंटेज चेंज आ, ते आ की आ डेल्टा आर की आ, परसेंटेज चेंज इन रेडियस, ओके, या चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू और अपॉन इनिशियल वैल्यू गुणा 100। चीज तो एक ही आ, चीज तो एक जी परसेंटेज एरर फाइंड करते होंगे उ लग जाना फार्मूला। हुण गल सुन लो, जदों तुसी किसी भी एरर वाले चैप्टर तो बाहर वाले चैप्टर तुसी एरर वाला फार्मूला यूज करना चाहते हैं, एक गल याद रखियो, जे तां तुहाडी परसेंटेज एरर 5% तो घट आ, किन्ने परसेंट तो 5%, फिर तां तुसी ये फार्मूला ला देना, नहीं तां तुसी फिर इत्थे जाऊंगी। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? फिर तुसी सारियां वैल्यूज फाइंड करके पुट करोगे, फिर आंसर आऊगा, ठीक है। ये गल का खास ख्याल रखना, 5% तो जे घट होवे या 5% तक कह लो, उदों तक तां तुसी शॉर्टकट फार्मूला लाउणा। हुण तुसी कहणा जी किद्दां, देखो मैं की फाइंड करना, मैनू कहिंदा जी जी दी वैल्यू जिहड़ी हैगी उह च दसो किन्ना चेंज होंदा। कहिंदा हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, जी दी वैल्यू च चेंज, जी दी वैल्यू चेंज आउंदा जी डेल्टा जी अपॉन जी और गुणा 100। की मैं ठीक लिखिया? दिस इज परसेंटेज चेंज इन जी, मैं ठीक लिखिया ना? मैं ठीक लिखिया गलत? पता लग नहीं लग रहा? डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100, ओके, डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100, गल समझ आ रही है? तो मेरे को की आ गया, मेरे को आ गया 2 times एदी वैल्यू 2%, आंसर आ गया 4%। हाँ जी, कोई शक किसी को? बहुत सौखा सवाल है, छोटा जा क्वेश्चन, निक्का जा, समझ आया? को बोलिया नहीं हजूर? हाँ जी सर, आ गया हजूर। ओ पुत, हाँ जी सर, समझ आ गया पुत के नहीं आया? हाँ जी सर, आ गया, आ गया, चल, हाँ जी सर, चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया के? हाँ जी, हाँ जी। At what height from the surface of earth the value of g is half of the initial value? ये h height ते g by, यानी कि g dash is equal to g by 2 कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? इन्हें रब करने लग गया, कर ही लेने क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन करें नहीं ना आप पहले, तो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैंने पता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा देना तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4 की कहता, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस। कहता हाइट पता करो, कहता वो हाइट पता करो जिथे जी डैश बराबर जी बाय 2 हो जाए, क्यों भी सही लिखा है गलत लिखा है? वो हाइट पता करो जिथे जी डैश यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एच हाइट से जी दी यानी कि सरफेस वैल्यू की बाय 2 हो जाए, अद्धी हो जाए। आई है ना सवाल साडा? हुण जे अद्धी हो जाए इहदा मतलब किन्ना? इहदा मतलब देखो जी डैश हुंदी किन्नी आ, जी डैश इज इक्वल टू फार्मूला सीगा आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच दा होल स्क्वेयर इनटू जी, ते जी डैश इज इक्वल टू किन्ना पुट कर दो, जी बाय 2 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच दा होल स्क्वेयर इनटू जी। जी नाल जी पुत्रो, जी नाल जी कैंसल, कैंसल,
कैंसल क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आंसर आ गया 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hr एक काम होर करो ना शॉर्टकट मार लेने इन्हें खलारा क्यों पौना r प्लस h द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स r स्क्वायर ठीक है स्क्वायर रूट ले लो r प्लस h इज इक्वल टू अंडर रूट 2r h is equal to under root 2 r minus r under root 2 minus 1 into r 1.414 minus 1 into r earth di radius kinni ditti ethe 6400 kilometer ditti hai ke yes sir 0.414 a minus karta into r di value 6400 kilometer मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा तुम्हारा सौखा का उखा सौखा बहुत बहुत आसान सवाल है बहुत आसान सवाल है कोई मुश्किल है मैंने याद नहीं कराते तुसी तो क्वेश्चन है साडा पंजवा क्वेश्चन की बोलता बेटा कहता फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी बॉडी के वेट के परसेंटेज डिक्रीज पता करो वैन इट इज मूव्ड When it is taken to height of 32 kilometers, 32 kilometer height ते ले जाना, ठीक है 32 kilometer ते छोटी change दा formula लगूगा छोटे change दा, okay? The percentage decrease in weight is equal to initial value decrease हो रहा final छोटी या initial minus final upon initial into 100, g minus g dash upon g, g initial हमेशा थल ले आऊँगा delta g upon g, answer दे दो, g dash की value 1 माइनस 2 इंटू 32 किलोमीटर डिवाइड बाय 400 उपर भी किलोमीटर थले भी किलोमीटर मीटर ना बनाई फिर मैं लोड ही नहीं मीटर बनाने की तो आंसर सीधा ही होगा कि आ गया डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 64 डिवाइड बाय 400 64 डिवाइड बाय 6400 जी ठीक है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 1 अपॉन 100 जी चेक करो मैं ठीक लिखा मैं जी नाल अंदर मल्टीप्लाई करता जान बुझ के रीजन की है क्योंकि मैं सीधे ही उत्थे पहुंचना चाहना तो जी डैश जी माइनस जी डैश कितना आ गया जी माइनस जी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 जी जी नु इधर डिवाइड कर दो जी माइनस जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 ए आ गया डेल्टा जी अपॉन जी 100 नाल गुणा कर दियो जी डैश जी माइनस जी डैश अपॉन जी इनटू 100% इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 इनटू 100% यानी कि 1% ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਔਖਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ माइंड दे विच फिक्स होनी चाहिए आ ए ना होवे वे सानू पता ना होवे इस वैल्यू दा क्यों भाई बच्चों आ कहानी क्लियर हो गई कि नहीं हुई हां जी सर हां समझ आ गया ना बड़ा सिंपल जे क्वेश्चन है ये मुश्किल नहीं गे ये बहुत आसान है प्रैक्टिस करनी पौगी थोड़ी जी हुन मैनू एक दसो क्वेश्चन नंबर 8 ते आओ एक बार क्वेश्चन नंबर 8 कहंदा हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ Does the acceleration due to gravity reduces to 36% and reduces by 36%? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। Reduces to 36% and reduces by 36%। इसका मतलब क्या है? क्यों भाई? Question number 8, मैं जानबूझ के पहले ही करा रहे हैं, क्योंकि मैंने लग गया अभी थोड़ा आ गया इधर नार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮੱਚ ਬਿਲੋ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਅਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ x ਅਪੋਨ r ਜਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ d ਓਵਰ r ਆਪਾਂ x ਮੰਨਿਆ ਸੀ d ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਬੋਲਿਓ x ਸਰ x ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਆ 1 ਮਾਈਨਸ x ਅਪੋਨ r ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਥ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬੇਟਾ ਡੈਪਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਥ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ g ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਉਹ ਮੰਨੀ 1 ਮਾਈਨਸ x by r into g
वन माइनस एक्स बाय आर इन टू जी इथे एक्स डेप्थ था वो की कहता हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ यानी कि एक्स पूछा तुम दसो सरफेस कितना थल्ले जाइए किथे मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नंबर एक रिड्यूसेस टू 36% देखो पहला क्वेश्चन है साडा पहला रिड्यूसेस टू 36% यानी कि पहले क्वेश्चन चो की बोल रहा पहले क्वेश्चन चो बोल रहा कि जिहड़ी जी डैश आ चलो इत्थे लिख देना मैं दिस इज इक्वल टू 36% ऑफ जी दो चीजा होंदियां एक होंदी आ रिड्यूसेस टू 36% एक होंदी आ रिड्यूसेस बाय 36% इच फर्क की है क्यों भी रिड्यूसेस टू का मतलब जे 100 सीगे ते 36 रह गए रिड्यूसेस टू का मतलब की है जे 100 सीगे रिड्यूसेस टू 36 ते पहुंच गए जी असि मतलब साढ़े को जी जी डैश की वैल्यू 36% हो गई जी की ओके रिड्यूसेस बाय 36% का मतलब वा कि जी की वैल्यू 36 घटी आ जे 100 सीगी तो चो 36 माइनस करो बचे किन्ने बचे किन्ने 100 दे विचों 36 माइनस कीते 64 किन्ने बच गए थे 64 तो एदे विच रिड्यूसेस टू 36% एदे विच रिड्यूसेस टू ये 2 लिखना 64 ये बाय लिखना 36 ओके तो पहले क्वेश्चन च इन्ना आ तो जी डैश इज इक्वल टू पहला इहदी वैल्यू देखो 36 अपॉन 100% हटाता इनटू जी ओके ए मेरे को जी डैश आ गया मैं जी डैश की वैल्यू इतने यूज करूंगा तो मेरे को कितना आ गया देयरफोर आ एक नंबर इक्वेशन पा देना तो फ्रॉम वन एक नंबर दे विच 36 अपॉन 100 जी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बाय आर इंटू जी जी नाल जी उड़ गया एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो आंसर आ गया तुहाडा मैनू नहीं समझ आउंदी दिक्कत कित्थे आ एक्स बाय आर इज इक्वल टू वन माइनस 36 बाय 100 ठीक है 100 माइनस 36 64 बाय 100 तो एक्स कितना आ गया एक्स आ गया 64 बाय 100 इनटू आर एक्स आ गया 64 बाय 100 इनटू आर दी वैल्यू कितनी बेटा 6400 64 नु 64 पहले का आंसर 4096 आया कि नहीं आया हां जी सर 4096 जेनू समझ नहीं आया जदों ना छिक आके मुड़ जावे वह बड़ी खतरनाक होंदी आ जो छिक आउंदी है ना उस हालत घट इंपोर्टेंट हुंदा जो छिक आके मुड़ जावे ना वो बड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट हुंदा तो मैनू ना हुणे हुणे छिक आके मुड़ गई बई आ जाओ है कि नहीं है सैकेंड क्वेश्चन कहिंदा जी रिड्यूसेस बाय 36% इहदा मतलब जी डैश इज इक्वल टू रिड्यूसेस बाय दा मतलब पता लग रहा रिड्यूसेस बाय 36% यानी कि 100 माइनस 36% ऑफ जी जिन्हों आ गल समझ नहीं आई पूछ लगो 100 सीगे ओदे विचों 36 माइनस हो गए बचे किन्ने 64 तो जी डैश इज इक्वल टू 64% ऑफ जी जी का 64% जी का 64% जी डैश इज इक्वल टू 64 ऑफ 100 जी आ वैल्यू फिर एक नंबर इक्वेशन च यूज कर लियो फ्रॉम वन शेयर बन जो छेती दसो आंसर कितना आया 64 बाय 100 जी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय आर इनटू जी जी नाल जी कैंसल एक मिनट लाओ छेती आंसर दियो मैनू डेप्थ दसो कितनी है
हाँ जी शाबाश, जल्दी करो आंसर दसो मैनू। खिचीए तो स्प्रिंग सानू खिचदा, जे असी स्प्रिंग नू खिचीए तो स्प्रिंग सानू खिचदा। सेम कंसैप्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे विच आ। अर्थ दे सरफेस ते एक स्प्रिंग टंगिया सी, स्प्रिंग दे नाल सी एक वेट बनता, जदों वेट नू उहदे नाल कनैक्ट करता स्प्रिंग नू उहने खिचता, खिचिया तो उपर वल नू फोर्स लग्या, वेट नीचे नू और फोर्स उपर नू एक थां ते दोनों बैलेंस हो गए, और जिथे बैलेंस होए स्प्रिंग दी स्ट्रैचिंग हो गई एक्स, किनी स्ट्रैचिंग हो गई एक्स, तो एफ आर इज इक्वल टू होगा के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर इज इक्वल टू के एक्स, वेट दे नाल बैलेंस हो गया, तो सरफेस की जिहड़ी स्टोरी आ अर्थ दे सरफेस ते इत्थे एम जी यानी कि वेट के एक्स दे बराबर आ, माइनस मैं लगाया नहीं, ठीक है, डायरेक्शन नू शो करदा हुंदा। ओके एक्स की वैल्यू सानू किन्नी दित्ती उहने, उह कहिंदा जी 1 सेंटीमीटर आ, कहिंदा जी मास ने स्प्रिंग नू 1 सेंटीमीटर स्ट्रैच करता सरफेस ऑफ अर्थ ते, फिर उस बॉडी नू असीं चक के लै गए 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट एच इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर। लो जी 1600 किलोमीटर उपर चला गया, मैनू दसो 1600 किलोमीटर उपर चले गए असीं, हाँ जी फार्मूला वड्डी हाइट वाला लावां कि छोटी हाइट वाला? वड्डी हाइट वाला फार्मूला, वड्डी हाइट वाला फार्मूला लगा दो। वड्डी हाइट वाले फार्मूले दे वास्ते चलो एक बार मैं स्प्रिंग टंगदा, इन्नी हाइट ते ले जाके जदों मैं स्प्रिंग नू सेम टंगिया एम मास, तो उहदा वेट नीचे वल नू एम जी होगा कि एम जी डैश होगा? ਉਹ ਜੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਾਈਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਟ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਮ ਜੀ ਡੈਸ਼। ਕਲੀਅਰ? ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ ਡੈਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਸ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸ ਡੈਸ਼, ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਘੱਟ ਹੋਊ ਕਿ ਵੱਧ ਹੋਊ? ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ, ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੇਟ ਘਟਿਆ ਕਿ ਵਧਿਆ? ਘੱਟ। ਜੇ ਵੇਟ ਘਟਿਆ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਘਟਿਆ ਕਿ ਵਧਿਆ? ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਘੱਟ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਐਫ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਐਕਸ ਡੈਸ਼, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲ ਕੇ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਐਦਕੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਦਕ ਵਾਰ ਐਮ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਤੇ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ? ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ ਆਰ ਪਲੱਸ ਐਚ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਆ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਆ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਆ? ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ ਆਰ ਪਲੱਸ ਐਚ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ ਆਰ ਪਲੱਸ ਐਚ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰ ਅਪੋਨ ਆਰ ਪਲੱਸ ਐਚ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਲਾ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਤੇ 2 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਐਮ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਐਮ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੇ ਐਕਸ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹੀ ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਾਸ ਕੈਂਸਲ, ਕੇ ਨਾਲ ਕੇ ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮ ਨਾਲ ਐਮ ਕੈਂਸਲ, ਕੇ ਨਾਲ ਕੇ ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਐਕਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਐਕਸ ਡੈਸ਼,
x ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ g ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਰੱਖੀ x ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗੀ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 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 ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ r ਪਲੱਸ h 6400 ਪਲੱਸ 1600 ਦਾ ਕੰਬਾਈਂਡ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ 6400 ਤੇ 1600 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 6400 ਪਲੱਸ 1600 ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 8000 ਨਹੀਂ ਹੋਏ 8000 ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਂਸਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ x ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੈਂਸਲ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਆਜੂ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ 64 ਆ 80 ਆ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ x ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 64 ਇੰਟੂ 64 ਅਪੋਨ 80 ਇੰਟੂ 80 ਇੰਟੂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਮੈਂ ਆਂਸਰ ਲਿਖਤਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ 0.0 ਆਂਸਰ ਹਾਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਓਨਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਿਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆ 64 ਆ 80 ਆ 16 ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ 16 ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ 4 upon 5 ਆ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਆ 4 ਤੇ ਆ 5 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ 4 × 4 / 5 × 5 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ 16 upon 16 / 25 16/25 × 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 0.something ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਸੌਖੇ ਆ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਬੋਲੋ ਹਾਊ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਡਜ਼ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਿਕਮਸ 4% ਆਫ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਹਾਈਟ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੀ 4% ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ 4% ਆ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 4% ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ 96% ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਾਰਜ ਹਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 9th ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਆ ਚੋਆ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਉਹ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਐਟ ਵਟ ਹਾਈਟ ਬਿਲੋ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਡੈਪਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋਰੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਵਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਟ ਵਟ ਡੈਪਥ ਆਏ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡੈਪਥ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਟ ਵਟ ਡੈਪਥ ਬਿਲੋ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਵਟ ਡੈਪਥ ਬਿਲੋ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਿਗਨਲ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਐਟ ਵਟ ਡੈਪਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਸਰਫੇਸ ਆ ਐਕਸ ਡੈਪਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ
ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ g ਹੈ ਇੱਥੇ g ਵੀ ਓਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਆ g a ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਲਾਰਜ ਹਾਈਟ ਸਮਾਲਰ ਹਾਈਟ ਬੋਲੋ ਸਮਾਲਰ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ g a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ 1 ਮਾਈਨਸ 2 h ਬਾਈ r इंटू जी और इथे एक ही फार्मूला 1 माइनस एक्स बाय आर इंटू जी एक्स फाइंड करना और 100 हाइट दिती हुई सानू इक्वल कर दो आंसर आ जाएगा तुहाडा जी इज इक्वल टू जी बी मैं कोई वैल्यू नहीं पुट करता हजे 1 माइनस 2 एच बाय आर इंटू जी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय आर इंटू जी जी नाल जी कैंसल 1 नाल 1 कैंसल 2h by r is equal to x by r r नाल r कैंसल 2h is equal to x कोई शक किसे नु गल सुन लो जे x दे के h पुछया होवे ता भी आ जूगा जे h दे के x पुछया होवे ता भी आ जूगा किसी भी बच्चे नु कोई शक सवाल समझ आ गया यस सर 2h is equal to x एक गल होर ध्यान नाल सुनो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਛੇਤੀ ਘਟਦੀ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਆ ਡੈਪਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਘਟਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2h ਆਊਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 2 × 100 ਯਾਨੀ ਕਿ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਵਾਟ ਐਵਰ ਬੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਸੀਗਾ ਅੱਠਵੀਂ ਕਰਵਾਤਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੌ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੌਖਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾਤੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਚੱਕੋ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਸਰ